So dear student, this is the fourth part of the chapter. First, basic concept of chemistry. Here in this video, we are going to study laws of chemical combination. इसके first तीन part already available हैं channel में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो. So in this video, we are going to discuss about the laws of chemical combination. जैसे कि हम सबको पता है कि मैटर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स बिकॉज इस एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स देन इट फॉलो सम रूल्स. इन्हीं रूल्स को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो जनरली देयर आर टोटल फाइव सिंपल लॉज विच आर नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. ये लॉ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इन योर प्रीवियस क्लासेस, जिसमें हम ये बताते हैं कि एक्चुअली आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, ये उसी पे ही बेस्ड है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट कि नो एनी मैटर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वी कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दिस लॉ वॉज एक्चुअली गिवन बाई फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर इन 1789. और इस लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट और टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दोनों इक्वल होता है. कहने का मतलब यह है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो भी उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में उतने ही मास में नया प्रोडक्ट बनेगा. सो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसी को ही हम लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही यहाँ पर आप देखिए वुड एंड ऑक्सीजन. वुड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, कंबशन प्रोसेस जब करवाया जाता है, देन इट कन्वर्ट्स इंटू एशेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. And if we calculate or if we measure the total mass of this wood and oxygen and the total mass of ash, CO2 and water, तो ये दोनों ही same निकलेगा. Okay, similarly अगर आप जितने amount में, suppose you are taking 100 gram of ice and if it is converted into water, then in both condition its mass will be same, क्योंकि यहाँ पर आइस ही वाटर में कन्वर्ट हुआ है. सिमिलरली हियर दिस वुड विच इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऐश CO2 एंड वाटर विथ बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो या ये फर्स्ट लॉ है विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका एक्सेप्शन आपको कहीं पर देखने को मिलता है, जैसे कोई कोई ऐसे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत 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 माइन्यूट चेंज आता है इन मास, लेकिन ये जो चेंज है दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. और इसी के ही अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है इसमें ये जो E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, यस ये E इज इक्वल टू mc². इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सम अमाउंट ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये चीज़ देखने को मिलती है. और यही बेसिक थ्योरी है एटम बम और जो हाइड्रोजन बम जो न्यूक्लियर बम होते हैं उनके पीछे यही थ्योरी अप्लाई होती है. तो लेकिन नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मास में चेंज नहीं होता, दैट इज़ वाई जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेजर नहीं कर पाते हैं इस चेंजेस को. यहाँ पर एक और भी एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है विच आल्सो एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. यहाँ पे मेथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया
एंड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन टू CO2 एंड वाटर. सो CO2 वाटर बोथ आर द डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम द मेथेन एंड ऑक्सीजन. बिल्कुल उसके जैसे नहीं है, लेकिन इनका ओवरऑल मास अगेन सिमिलर निकलेगा. सो यू मे यूज़ एनी ऑफ वन एग्जाम्पल विथ द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डेफिनाइट प्रपोर्शन. ये जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डेफिनाइट प्रपोर्शन है, इट वॉज गिवन बाई जोसेफ प्राउस्ट. प्राउस्ट ने बताया था ये नियम, और उसने ये कहा था कि अगर हम कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड लेते हैं, सो इन केस ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन. कहने का मतलब यह है कि सपोज यू आर टेकिंग एनी कंपाउंड, देन इट्स फॉर्मूला विल बी सेम. इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच सोर्सेस और बाई विच रिएक्शन यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग दिस कंपाउंड. वो चाहे आप कैसे भी उसको प्रिपेयर करिए, बट अल्टीमेटली द फॉर्मूला विल बी सेम. ओके, सो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाई मास. इसको एग्जाम्पल से समझिए. देखिए, अगर आप NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लेते हैं, देन ऑलवेज इसका जो कंपोजिशन है वो 14:16 होगा. या अगर मैं नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में रेशियो निकालूं, देन इट इज़ 1:1. इन केस ऑफ NO2 ये रेशियो चेंज हो गया, लेकिन ये कंपाउंड भी बदल गया. इट्स 14:32 और 1:2. N2O यहाँ पर अगेन ये यहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लिए हैं. लेकिन आप ये 5 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को कैसे भी प्रिपेयर करिए, बट इफ़ यू आर कंसीडरिंग N2O, दैट मींस इट ऑलवेज कंटेन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसका प्रोपोर्शन हमेशा यही रहेगा. आप यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पली सपोज यू आर कंसीडरिंग वाटर H2O. ठीक है, अब ये वाटर का सोर्स चाहे कुछ भी हो, चाहे ये रेन वाटर हो, ठीक है, या आप लेबोरेटरी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके बनवाएं, या फिर आप इसको अंडरग्राउंड वाटर लें. ओके, अंडरग्राउंड अगर आप वाटर लेते हो, या फिर आप वाटर कलेक्ट करते हो फ्रॉम रिवर, ओशन, पॉन्ड, वेयर एवर, बट इट ऑलवेज इसका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, इट विल बी 2:1 अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अगर मैं अकॉर्डिंग टू मास देखूं तो इट विल बी 2:16 और 1:8 अगर इसको हम और सिंपलर कर देते हैं तो. ठीक, ये वाला रेशियो नंबर ऑफ एटम के बीच में, एंड दिस रेशियो इज अबाउट देयर मास. Now the next rule. So the next third law is law of multiple proportion. This law was given by John Dalton in 1803. So according to this law, when two elements combine to form two or more than two compounds, the masses of one of the element which combined with the fixed mass of the other one bear a simple whole ratio to each other. ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ये लॉ तभी फॉलो होता है जब कि कोई एलिमेंट, whenever two element are capable to form more than two compound. जैसे यहाँ पर आप देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पूरे के पूरे कंपाउंड जो हैं, दे आर ऑफ ओनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. दैट मीन्स ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर द रिएक्शन, बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. तो ये जो पहला प्रोडक्ट है, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. तो जब हम इसके बीच रेशियो चेक करते हैं, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हमको ऐसा मिलता है 14:8, 14:16, 14:24, 14:32, 14:40. तो यहाँ पर आप देखो, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया. ठीक है, यहाँ पर जैसे ये सब में 28 मिल रहा था. ठीक, तो इसको हमने, जो 28 नहीं था उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 28 कर लिया.
ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो जब आप चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो चेंज हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ फिक्स्ड हियर। तो जो ऑक्सीजन चेंज भी हो रहा है वो भी क्या कर रहा है, सिंपल रेशियो में चेंज हो रहा है। तो आप रेशियो यहाँ पे देख सकते हो, 1:2:3:4:5, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। और अगर आपको कोई छोटा सा एग्जांपल लेना है तो वहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसका रेशियो चेक करें तो क्या आएगा, 12:16, और यहाँ पे क्या आएगा, 12:32, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन का रेशियो देखूँ तो ये 1:2 ऐसा आ रहा है। सिमिलरली यू कैन यूज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो, या फिर नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मेरा सजेशन ये है कि आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल को ज़रूर याद करिए। देन द नेक्स्ट रूल इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वॉज प्रपोज्ड बाई रिचर इन 1792। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो इज आइदर सेम और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच दे कम्बाइन। इसको जब आप रीड करते हो तो रीड करने में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको ईजी लगेगा। देखिए, टू डिफरेंट एलिमेंट क्या कह रही है, टू डिफरेंट एलिमेंट कम्बाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। यहाँ पर देखो, टोटल 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये टू एलिमेंट ले लिया। देखिए, मैं यहाँ पे मार्क, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड एलिमेंट, ठीक। अब ये फर्स्ट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हो रहा है विद द थर्ड वन, दैट मींस कार्बन से, और ऑक्सीजन भी कंबाइन हो रहा है थर्ड वन किससे, कार्बन से। तो जब हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, CH4, एंड व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद कार्बन देन इट इज गोइंग टू फॉर्म CO2। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ क्या कह रहा है, देखिए, व्हेन इफ टू डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे टू डिफरेंट एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेपरेटली कंबाइन विथ द सेम वेट ऑफ द थर्ड। अब ये तीसरे का सेम वेट, सेम वेट मतलब कितना, 12 ग्राम, ठीक है, 1 मोल ही लेंगे ना अब तो, कितना हो गई है, 12 ग्राम। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंबाइनिंग विथ 12 ग्राम, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंबाइनिंग विथ 12 ग्राम। दोनों के दोनों कितने ग्राम से, कार्बन से कंबाइन हो रहे हैं, 12 ग्राम। ये देखो, यहाँ पर ये 12 और 12 लिखा है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन प्रिडिक्ट कि वेन एवर दीज एलिमेंट कंबाइन, जब ये कंबाइन होंगे आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि इसी रेशियो में या इसी का कोई सिंपल मल्टीपल होगा, या तो इसी रेशियो में कंबाइन होंगे या इसी का कोई सिंपल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो व्हाट इज़ द रेशियो, इट्स रेशियो इज़ 1:8 या फिर 2:2, क्या कहते हो आप, 16 या 4:32, देखिए उसी के सिंपल रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द फोर्थ लॉ। द फिफ्थ लॉ इज़ गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जांपल में गैसेस लेते हैं, और ये जो लॉ है ये गैसों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट द केमिकल रिएक्शन इन विच गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन और मोर गैसियस प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इन द सिंपल होल रेशियो। जैसे हाइड्रोजन इज़ अ गैस, क्लोरीन इज़ ऑल्सो गैस एंड देयर प्रोडक्ट HCl इज़ ऑल्सो गैस। तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में होगा, दैट इज़ 1:1:2। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोजन वन वॉल्यूम क्लोरीन, एंड व्हेन बोथ कंबाइन टुगेदर दे आर ऑफ 2 वॉल्यूम। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रोज़ लॉ, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
केमिकल इक्वेशन एंड दे आर बैलेंसिंग लिमिटिंग रिएजेंट एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. सो आई थिंक टू वीडियोज मोर एंड द चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट. थैंक यू.